देश के कई हिस्सों में अग्निपथ योजना को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका असर कटनी में भी देखने को मिला है। मुंबई, बिहार समेत कई राज्यों से आने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं जिले में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कटनी जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने कटनी, मुंडवारा और साउथ स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान कई बड़े पुलिस अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। जीआरपी स्टाफ ये तो देखते ही रहता है कि आरोपियों की पतासाजी इसमें लगा ही रहता है, तो डेली करता हूँ। बाहर से फोर्स को बुलाने का भी कुछ नहीं है देश ऐसे, यदि ऐसी स्थिति खराब, अगर स्थिति खराब होगी तो बाहर से फोर्स बुलाया जाएगा। जबलपुर के गोरा बाजार इलाके में हिट एंड रन का एक केस सामने आया है। सड़क पार कर रहे एक शख्स को तेज रफ्तार कार चालक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 45 साल के एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि सड़क पार कर रहे शख्स को जोरदार टक्कर मारने के बाद भी कार चालक रुका नहीं, बल्कि मौके से फरार हो गया। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है। भोपाल के कमला पार्क रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी सवार महिला और पुरुष अचानक से स्कूटी समेत गिर जाते हैं और महिला पीछे से आ रहे बाइक सवार युवक पर टक्कर मारने का आरोप लगाती है। लेकिन यह पूरी घटना पीछे से आ रहे युवक के हेलमेट में लगे कैमरा में कैद हो गई थी, जिसमें यह साफ दिख रहा था कि स्कूटी सवार महिला और पुरुष खुद ही अनियंत्रित होकर गिरे हैं। दीदी गाड़ी टकराई भी नहीं है, बेटा गाड़ी बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर जाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखा दूं। मैं कुछ नहीं रहा था क्या भाई? दीदी गाड़ी टकराई भी नहीं है, बेटा गाड़ी।